हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक का फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज क्वेश्चन सी डॉट ए। इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, इंक्लूड एसटीडीआई डॉट एच इनटू मैन। देखिए प्रोग्राम के अंदर एरर्स निकालने हैं तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हेडर फाइल बिल्कुल सही है, फंक्शन का नाम बिल्कुल सही है, ओपनिंग पैरेंथेसिस हैं, क्लोजिंग ब्रैसेस भी हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन बिल्कुल ठीक है, इफ कोड इक्वल इक्वल टू वन एंड फ्लैग इक्वल इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे लॉजिकल एंड होना चाहिए था, ये इन्होंने नॉर्मल एंड लगा रखा है जो कि गलत है। तो इसके अंदर यही एरर है कि यहाँ पे डबल एम परसेंट आना चाहिए था। सेकेंड हेडर फाइल बिल्कुल सही है, मेन फंक्शन सही है, रिटर्न टाइप करता है, कैरेक्टर स्पाइक एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, पासवर्ड ये भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट का टर्मिनेटर भी लगा रखा है, इफ स्पाई इक्वल इक्वल टू ए और। अब देखिए यहाँ पे और नाम का कोई कीवर्ड लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता है सी लैंग्वेज के अंदर, तो ये जो और की जगह पे क्या आना चाहिए था, वर्टिकल लाइन आनी चाहिए थी दो, तो इसके अंदर एरर क्या है, और नहीं आना चाहिए था, और की जगह पे ये वाला सिंबल आना चाहिए था। थर्ड हेडर फाइल बिल्कुल सही है, मेन फंक्शन सही है, आई इक्वल टू 10, जे इक्वल टू 20, आई का डिक्लेरेशन कर रखा है, जे का डिक्लेरेशन कर रखा है, इफ आई इक्वल टू 5 एंड इफ जे इक्वल, देखिए इफ को लिखने का बिल्कुल तरीका गलत है। इफ के अंदर हमने बोला था कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है, क्या करेंगे इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग इफ के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दी लॉजिकल एंड, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इफ आई इक्वल टू दिस एंड दिस, इसकी जगह पे होना चाहिए था इफ आई इक्वल टू 5, ये इफ नहीं हटा करके इनके बाहर एक ब्रैकेट होना चाहिए था, इट शुड बी दिस, इसके जैसे होना चाहिए था, ये गलत है। सी डॉट डी के अंदर क्या करते हैं, हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन सही है, ओपनिंग ब्रासेज है, क्लोजिंग ब्रासेज है, रिटर्न जीरो करता है, वेरिएबल डिक्लेयर विद असाइनमेंट है, एक्स वैल्यू 10 है, वाई इक्वल टू 20। देखिए यहाँ पे एंड लिख दिया है, एंड की जगह पे लॉजिकल एंड को डबल एम परसेंट से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे डबल एम परसेंट होना चाहिए था, ये होना चाहिए था उसके जगह पे, एंड की जगह पे लॉजिकल एंड। प्रिंट आउट द एरर्स, हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन सही है, ओपनिंग क्लोजिंग और रिटर्न बिल्कुल सेम है, एक्स इनिशियलाइज करा हुआ है, टू की वैल्यू डाल रखी है, एक्स की वैल्यू 2 है, लॉजिकल एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये कंपेयर करेगा ट्रू फॉल्स, और ये यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 कि एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यहां तो कर देगा ये ट्रू, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इसका फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो आउटपुट के अंदर ट्रू एंड फॉल्स तो ये चला जाएगा, प्रिंट के अंदर ये बाई चला जाता है, तो इसका इसके अंदर कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसके अंदर हमने ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी डाली है ताकि जो कैलकुलेशन की बेस्ड होगा, ये एसटीडीआई डॉट एच बिल्कुल सही है, मेन ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, रिटर्न जीरो आ गया, आई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे विथ इनिशियलाइजेशन, हम चेक करें इफ आई लॉजिकल एंड जे इक्वल इक्वल टू 10, इसके अंदर भी कोई एरर नहीं है क्योंकि आई अकेला जो है वो भी नॉन जीरो वैल्यू है, तो वह ट्रू के कतरे काम करेगा, इसका वैल्यूएशन निकल कर क्या करेगा, बिल्कुल सही काम करेगा। पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, हेडर फाइल बिल्कुल सही है, मेन फंक्शन सही है, जे की वैल्यू 65 है, ये जे इज ग्रेटर देन दिस, जे की वैल्यू आउटपुट के अंदर हमारे पास में नॉर्मल आ जाएगी, इस प्रोग्राम के अंदर भी कोई एरर नहीं है क्योंकि डिक्लेरेशन सही है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये निकाल रखा है, ये फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रखा है लेकिन वैल्यू डाल रखे, तो कुछ नहीं, एरर हमारे प्रोग्राम देगा नहीं। हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन सही है, डिक्लेरेशन सही है, अब यहाँ पे देखिए कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करा गया है, आई इज ग्रेटर देन 5, ये बिल्कुल इसका आउटपुट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा क्या, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन मार्क इस कंडीशन का क्या होगा, ट्रू है या फॉल्स है, 10 इज ग्रेटर देन ये ट्रू है, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, अदरवाइज जे की वैल्यू होती 15, तो जे की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका जब आउटपुट निकालेंगे तो आई की वैल्यू कितनी है 10 और जे की वैल्यू भी
टेन टेन निकलेगा, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ये नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं हम, इसमें हमें लिख रखा है ए इक्वल टू, देखिए हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन सही है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, रिटर्न जा रहे हैं। अब ए इक्वल टू बी, पाइप इक्वल टू बी, नहीं कंडीशन हो गई गलत, तो कंडीशन गलत हो गई तो कोलन के बाद का प्रिंट होगा, तो कोलन के बाद का तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो कोलन मिसिंग है, तो टर्नरी ऑपरेटर ही इनकम्प्लीट है, तो इसके अंदर गलत हो जाएगा, देयर इज कोलन मिसिंग। नेक्स्ट में क्या आता है, हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन सही है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, रिटर्न टाइप है, नाइन की एन की वैल्यू नाइन है, तो अब इसको प्रिंट करके चेक करेंगे, एन इक्वल टू नाइन, नाइन इक्वल टू बिल्कुल ट्री हो गई, ट्री हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट टर्नरी ऑपरेटर के एक स्टेटमेंट का केवल एक ही एंड हो सकता है, अगर इफ एल्स को केवल एक स्टेटमेंट लिखना होता तो हम इसको यूज करते हैं, लेकिन ये प्रिंट अप के बाद में उन्होंने सेमी कोलन लगा दिया, इस मतलब कि स्टेटमेंट को टर्मिनेट यहां कर दिया, तो आगे का स्टेटमेंट चेक ही नहीं करेगा, तो बता देगा कि भैया कोलन है ही नहीं, मिसिंग है, ऑपरेटर ही गलत है, तो इसके अंदर सेमी कोलन नहीं होने चाहिए थे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे वही हमारे लिए मोटिवेशन है ताकि हम नए नए वीडियोज बना सकें।